आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ मैं व्लॉग में क्या हुआ। सबको पता है हमारा घर अभी भी शिफ्ट हुआ है, तो हमारा आधा सामान है पंचवटी, आधा सामान है इधर द्वारका वाले का। क्योंकि लोगों ने इतने अच्छे, इतने ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया गिफ्ट्स दिए हैं, बट बहुत सारे गिफ्ट्स दिए हैं, तो हमने सोचा कि कुछ गिफ्ट्स हम क्लिनिक पर रख देंगे, क्योंकि स्टोरेज नहीं है वहाँ पर बहुत ज़्यादा। मैं और एक तो ये सोचे यार, पहले ही इतना काम चल रहा है, पापा ऑलरेडी इतने परेशान हैं, उधर पूरा मैनेज कर रहे हैं, अब क्या करें। तो मैं और एक था, हम दोनों गए पुलिस स्टेशन और कैसे अपनी गाड़ी निकाल कर लाए वो देखा। बड़ी चीज़ जो एकता ने मुझे बताई, कभी भी डरना नहीं चाहिए ऐसे सिचुएशन में, एटलीस्ट टॉक टू देम, उन्हें बताओ कि क्या सिचुएशन है, क्या नहीं है, एंड ट्राई टू बार्गेन वट एवर द अमाउंट दे लास्क, ट्राई टू बार्गेन। तो हमसे मांगे थे 900 रुपीज़ और चलान लगा हमारा, ऐसा नहीं है कि करप्शन किया या पैसे दिए, बट चलान हमारा कटा है 400 रुपीज़ का। एंड वीडियो आपको बहुत प्लेन नहीं आएगी क्योंकि ऐसे डायरेक्टली नहीं बना रहे थे, ऊपर नीचे कैमरा लग रहा था, तो आप देख लेना। एंजॉय आज का व्लॉग, बाय बाय। ऑलरेडी इतना ज़्यादा हम लेट हो चुके थे और हमारी गाड़ी उठा ली पुलिस ने, अब हम आ गए डाबरी स्टेशन, अब देखते हैं हमारी गाड़ी वापस मिलेगी या नहीं। गाड़ी तो दिख गई हमें हमारी, ये रही, अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। इसकी वजह से जाम देख लो, हमारी गाड़ी, हाँ गाड़ी तो मेरी है, बट जाम तो वहाँ पे लगा ही ऐसे, मतलब वो मैं समझ गई कि चलो वहाँ पे रोड के उधर खड़ी कर रही थी, बट जाम तो यहाँ पे रहता ही हमेशा। आप अभी जाके देखोगे तो अभी भी लगा होगा, और हम तो सिर्फ एक सेकंड के लिए सिर्फ एक बैग ऊपर रख कर आना था। सारी गाड़ियाँ यहीं पे पार्क होती है और यहाँ पे कहीं लिखा भी नहीं है नो पार्किंग, पार्किंग लिखा हुआ था नहीं, हर कदम पे जो है रोड पर कहीं पार्क होगी नहीं, तो फिर कहाँ जाओगे, हमें क्या पता कहाँ नहीं। अरे ये तो आप बताओ, अगर कोई आप एमसीडी से पूछो, काम एमसीडी का दिल्ली पुलिस का, अब मेरी तो जब गाड़ी उठेगी मैं तभी पूछूंगी ना, लेकिन ये तो बता तो रहा हूँ एमसीडी का काम है, लेकिन कहाँ लगाएंगे गाड़ी, मैडम अब मैं कहाँ बताऊँ काम, लेकिन गाड़ी अब जिसने उठाई मैं तो उसी से पूछूंगी। 400 रुपए कैसे, नहीं मेरे पास कितने खर्च कर, क्योंकि गाड़ी हमेशा लोड होती है, लेकिन हमेशा वही लगाते हैं। मैं तो आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि आज की बात नहीं है, तो हमेशा वही लगाती हूँ गाड़ी, और जाम उस रोड पे नॉर्मल रहता है क्योंकि मेन रोड है वो, डाबड़ी से या कहीं से भी आएगी गाड़ी वहीं पे रुकेगी गाड़ी, या तो वहाँ नो पार्किंग हो, नो पार्किंग है मैडम, जो भी तो गाड़ी हो सकते हैं, लिखा भी तो हो, लेकिन और क्या बन रहा है जब हम बता रहे हैं आपको, ये सिर्फ पैसे कमाने का हो रहा है भैया, और कुछ नहीं है। एक मिनट में उठा ला तो कैसे देख रहा क्या गाड़ी का, गाड़ी तो ठीक ही लग रही है, गाड़ी को क्या होगा। क्या देख रहे हैं गाड़ी में, बुला रहे हैं।
400 तो गाड़ी तभी मिलेगी ना, 400-200 रुपए हो गया। पहले तो आप ये बताओ मेरे को कि चलान किस चीज का हो रहा है? मैं इस गाड़ी को टो करके लाए हैं इसका और प्रॉपर पार्किंग का। अच्छा, कितना चलान है? 400 रुपए का। अभी तो उन्होंने 900 बोला। हाँ तो 500 रुपए का आएगा मैसेज, नहीं तो 900 कराना चाहते 900 में फिर दे देंगे आपको, ऑनलाइन आएगा। पेटीएम हो जाएगा ना? पेटीएम वहाँ करेंगे। कहाँ पे? दुकान पे करवा लो, दुकान पे करा लो। तो इनके वैसे ही है, सारे टेढ़े ही काम है। क्या बताती हूँ उसको, बोल के जाऊंगी कि कैश नहीं है। जितना कम से कम हो सके, आपके पास चाहे कितने ही पैसे हो, आप अपना 100-200 से ज्यादा आप इनको दिखाओ ही मत। अगर नहीं मान रहे एंड में तो फिर तो आपको देना ही पड़ेगा। बट देखो फिर भी 900 से 400 पे आया हम लोग, इससे ज्यादा हो नहीं पाया। मैंने छुपा लिए थे पैसे, फिर भी नहीं हो पाया। बट ठीक है, अब गाड़ी बार्गेनिंग स्किल्स देख रहे हो, 900 से 400 पे। फाइनली गाड़ी लेकर हम आ चुके हैं। हमसे मांगे थे 900 रुपए और एक तो पीछे पड़ गई, किस चीज का चलाना है, किस चीज का चलाना है, जरूरी है ना। हाँ, और चलान मैं मानती ही नहीं हूँ बिल्कुल कि भाई वहाँ पे ना कोई नो पार्किंग का साइन है, ना मेरी गाड़ी कोई रोड पे कह रहे देखो आपकी गाड़ी की वजह से जाम लग गया। मैंने बोला भैया महावीर इंटेक का रोड है, अभी जाके देखो अभी भी जाम लगा होगा। चुप बैठा था फिर वो बंदा। बेसिकली हम लोगों को 900 रुपए का चलान वो लगा रहे थे। एंड एनी हाउ हम करते करते 400 देकर आए। 400 तो हमें देने ही पड़े, ऑल दो कॉल वॉल कर सकते थे। फिर हमने भी सोचा कि एक गाड़ी के लिए क्या किसको कॉल करें वाला चीज कर। तो एक तरह ने लास्ट में ये मॉरल ऑफ द स्टोरी, मॉरल ऑफ द डे ये बताया है कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए कभी डरना नहीं चाहिए और ट्राई करो बार्गेन करने के, जितने सस्ते सस्ते में आप अपनी गाड़ी निकाल सकते हो। एंड ऑलवेज आस्क कि आपने किस चीज का चलान लगाया है। देखो चलान की पर्ची उन्होंने मेरे को अभी भी दिया, आप अगर ये दिखाओगे तो ये चलान की पर्ची। इट्स नॉट लाइक कि हम पूरी खुली रिश्वत देकर आए। रिश्वत देके नहीं आए हम, चलान। अब ये है कि अब हाँ हमारी गलती नहीं थी लेकिन हमने चलान भरा क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते चलान नहीं वो करना। तो और बाकी अगर कोई दिल्ली गवर्नमेंट वाला या कोई एनसीटी वाला सुन रहा है तो भाई बंद करो यार ये सब, बहुत बदतमीजी है।
बहुत ही ज्यादा बदतमीजी है। ठीक है ठीक है, और ये मैं सोचना कि मैं अपने आप को ले रही हूँ, एकता को नहीं ले रही। एकता ने मना किया कि वो वीडियो में नहीं आएगी। लग रही हूँ मैं बेचारी, हम फ्लैट हमारा शिफ्ट हो रहा है, कॉलेज नहीं जा रही थी मैं बेचारी रिजवाना आंटी को मिठाई देने। क्या ही हो रहा है। और दो मैं वापस नहीं मिल रहा गाड़ी तो मेरे को बाद में दिमाग में आया, मुझे लगा कहीं चाबी गाड़ी में रह गई, चुरा के तो भी ले गया कोई, मेरा तो फोन और पर्स भी अंदर है। थैंक गॉड गाड़ी चोरी नहीं हुई थी और उठाकर ही लेकर गए थे। बट चलो ठीक है, शाल वाले ही कराते हैं कि वो है टेक्निक। तभी उन्होंने बिल्कुल गेट के सामने अपनी जगह ऐसे खुली छुड़वाई हुई है। मुझे लगता है जो गाड़ी खड़ी थी ना अंकल ने खड़ी करी थी, वो भी गायब हो गया। अब देखना सावधान रहे, इधर गाड़ी मत खड़ी, सावधान रहे, सतर्क रहे, मत खड़ी करना यहाँ गाड़ी, बता दो सबको। मैं अनूप सोनी की जगह लूंगी। सावधान रहे, सतर्क रहे, गाड़ी को बचा के रखे। हमारी गाड़ी बेसिकली मैं बताती हूँ कहाँ से उठी थी। अभी मेन रोड है, मेन रोड पे तो खड़ी करेगा ही ना इंसान, कहाँ जाएगा वो, या तो कोई जगह दे वो हमें। व्हाइट कार लगी है ना, ये जहाँ व्हाइट कार लगी है विशाल मेगा मार्ट के सामने, बट लगाते रहे, किसी ने हमें रोका नहीं, मना नहीं करा कि भाई। और यहाँ कहाँ है नो पार्किंग का साइन, और कहाँ जाए एक नॉर्मल इंसान, कहाँ जाए, कहाँ लगाए गाड़ी फिर बताओ। गाइस ये मेरा क्लिनिक है और यहाँ से हमारी गाड़ी उठ गई यार, कितनी बेइज्जती की बात है। 5 मिनट में चल बाय। सो फाइनली गाड़ी तो हमें मिल गई थी, बट ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक है, अकेले जाके कैसे गाड़ी लेकर आनी चाहिए पता होना चाहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।